हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? माई सेल्फ मनीषा राय। देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश। तो देखो बच्चों, आगे हमने ए टू जेड तक रिवीजन लिया था, और आज हम लेंगे के फॉर काइट। तो रेड लाइन से ब्लू लाइन, के फॉर काइट। रेड लाइन से ब्लू लाइन, एल फॉर लायन। रेड लाइन से ब्लू लाइन, M for monkey। ऐसे रेड लाइन से ब्लू लाइन, N for nest। और रेड लाइन से ब्लू लाइन, O for orange। K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange। तो देखो बच्चों, आपको ये यहाँ पूरे की पूरी लाइन यहाँ तक आपको लिखना है। तो चलो, रेड लाइन से ब्लू लाइन में ही कैपिटल लेटर लिखना है। तो के फॉर काइट, के फॉर काइट, के फॉर काइट, ऐसे पूरे की पूरी लाइन बच्चों आपको हमारे साथ लिखना है। ऐसे के फॉर काइट, के फॉर कंगारू, के फॉर कंगारू, के फॉर कंगारू। फिर हम लेंगे एल। तो एल से एल फॉर लायन, एल फॉर लायन, L for lemon, L for lemon, lemon यानी कि नींबू। L for lion, L for lion, L for lion, L for lemon। फिर M, M से स्टार्ट होता है M for monkey। ऐसे रेड लाइन से ब्लू लाइन लिखना है M for monkey, M for monkey। ऐसे रेड लाइन से ब्लू लाइन लिखो M for monkey, M for monkey, M for mango, mango यानी कि कैरी, राइट? तो M for mango। ये तो ये हुआ M। फिर लेंगे N, N for nest, वो भी रेड लाइन से ब्लू लाइन। N for nest, N for nest, N for nest, ऐसे आपको लिखना है N for nest, N for nest, ऐसे पूरे की पूरी लाइन आपको लिखना है N for nest। फिर लिखना है O, वो भी रेड लाइन से ब्लू लाइन। ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर आउल, ओ फॉर आउल, ओ फॉर आउल, ओ फॉर ऑरेंज। तो देखो आपको बच्चों ऐसे मेरे साथ लिखना है के फॉर काइट, एल फॉर लायन, एम फॉर मंकी, एन फॉर नेस्ट, ओ फॉर ऑरेंज। फिर आपको पीछे वाले पेज पर लिखना है, यहाँ पर एच डब्ल्यू करके फिर से लिखना है। जो आगे हमने लिखा है वैसे ही फिर से आपको यहाँ तक लिखना है। ओके बच्चों, बाय। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।